में तमाम जो जनता है पूरी अमाम पूरी दुनिया से मुझे देखा जाता है कोई किस चैनलों पे वायरल भी करते हैं लोगों का मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन हिंदू बहन भाइयों को भी जो साथ देते हैं तो असल साथ दे बात को आगे से आगे तक पहुंचाएं पाकिस्तान गवर्नमेंट हो आ, इंडिया का गवर्नमेंट हो तो एक्शन उठाएं फिल फौरन यार इस टाइम अगर कोई इंसान ने साथ नहीं दिया तो नहीं। मेरे ख्याल में वो इससे बढ़कर कोई मौका यार चार बच्चे जिंदा गिरनाय हो है चुके हैं एक बाप आप लोगों को मेहनतें कर रहे हैं गिड़गिड़ा है रो रहा है चीख रहा है चिल्ला रहा है यार खुदा रहा आगे आइए साथ दीजिए और मेरे को बच्चे मिल जाएं बस इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूँ तमाम बहनों भाइयों का फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो देखते हैं पसंद करते हैं बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं कितना भी भीदर शुक्र अदा करें फिर भी कम है उन मांएं बहनें बेटियों का मैं शुक्र गुजार हूँ जो साथ देते हैं अल्लाह तब हम भी, भी है। बिल्कुल हैदर भाई ने भी शुक्रिया अदा किया हम भी शुक्रिया अदा करते हैं जो पाकिस्तान से हो इंडिया से हो देखने वाले आवाम हो जनता हो वीवरशिप हो जो लोग चाहते हैं वाकई चाहते हैं दिल से चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिले गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएँ गुलाम हैदर अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार लें गुलाम हैदर के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह न हो जो वाकई चाहते हैं कि सीमा ने ग़लत किया सीमा जो चार मुल्कों की सरहद का रास कर कर इंडिया गई इलीगली गई गैर कानूनी तरीके से गई और सीमा को वाकई वो मुजरिम समझते हैं तो उनको चाहिए मुजर्म है समझते क्या है मुजरम तो है सीमा अगर मुजरिम है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाने के लिए या कम अज कम बच्चे पाकिस्तान के सबुर्द करवाने के लिए आप गुलाम हैदर का साथ दें गुलाम हैदर की आवाज़ बने गुलाम हैदर इनशा बहुत जल्द इंडिया भी आ रहा है ये आपको मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ बस थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन है कानूनी मामलात हैं कुछ ऐसी कार्रवाई मुकम्मल होती है वीज़ा अप्लाई होता है उसके बाद गुलाम हैदर इंडिया भी आएगा अपना केस लड़ेगा और इन ये केस विन करके वापिस आएगा आप क्या कहते हैं आपने अपनी राय का के कमेंट सेक्शन में करना है गुलाम हैदर नाइन के नाम से इनका एक चैनल है जो अपने चैनल पर डेली अपडेट भी करते हैं बताते भी हैं। और ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ अगर बनेंगे तो इन शाला रोज़ मैशर अल्लाह ताला जो है आपको इस चीज़ का सिला ज़रूर देगा इस चीज़ का आपको सवाब भी मिलेगा क्योंकि एक ये सवाब है किसी के बच्चे जो इंडिया में अगवा हो चुके हैं इंडिया में किडनैप हो चुके हैं उनको अगर पाकिस्तान में इस हकीीकी वारिस के सपर्द करेंगे तो इन शीज़ का आपको अजहर मिलेगा कोई भी मज़हब हो चाहे हिंदुम हो चाहे मुस्लिम हो जुइस हो क्रिश्चन हो तमाम मजहब चाहते हैं इंसानियत का मज़ब सबसे बड़ा मज़हब है तो इस मजहब को देखते हुए आपने गुलाम हैदर की आवाज़ बनना है आपने इंडिया में एक जरूर करें ये मैं कहता हूँ रब्बूपुरा में उसके घर के बाहर पहुँच जाए सचिन के घर के बाहर पहुँच जाए एहतजाज करें प्रोटेस्ट करें आवाज़ बने रब्बूपुरा के लोगों ये मैं आपको कह रहा हूँ जाग जाए आप भी बीवी बच्चों वाले हैं आपके घर में भी माँ बहन बेटी है आप ये चाहते नहीं आप ये नहीं समझते कि आपकी बीवी कहीं भाग जाए और फिर आप जो है उसके साथ मिलकर डांस करें भंगड़े डालें खुशियाँ मनाएं ये कौन किस कानून में लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ है और एपी सिंह मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ मनोज मस्ताने मैं तुम्हें भी गैरत याद दिला रहा हूँ जो चंद दिन बाद तुम सीमा को बिठाकर कर सवाल करते नहीं, वो हो तो बेगरत है मेरे से इंटरव्यू लेकर मेरा आज तक नहीं चलाया अच्छा तो इनका इंटरव्यू बड़ा हाँ बेशरम है यकीन मानो आप उसको क्या ये तो निकम्मा से निकम्मा है आप उनको कहते हो यार एक कंजर सा बंदा है ना जैसे इंट्रू किया तो चलाने का हिम्मत इसको क्यों नहीं है उसका है। बाप एपी सिंह उसको रोकेगा ना उसके तलवे जो चाट बिल्कुल जिसका खाएगा तो उसका ही मानना पड़ेगा ना उसका ही मानना पड़ेगा बिल्कुल आपकी आवाज इंशाल्लाह मनोज मस्ताना मैं मनोज मस्ताना कम कहता हूँ मैं इसको तो बंदर मस्ताना कहता हूँ मेरे पास और बड़े नाम थे मैंने अदब से नाम लिया मैंने एपी सिंह कहा है मैंने टोपी सिंह नहीं कहा मैंने सीमा कहा है मैंने सीमा बगोड़ी नहीं कहा मैंने सचिन कहा मैंने लप्पू नहीं कहा नित्रपाल कहा मैं और इनके बड़े नाम है लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब बस बहुत हो चुकी है बहुत बतंगड़ बना लिया बहुत लाइवों में बैठ गए बहुत हंस लिया बहुत मज़ाक उड़ा लिया बहुत हैदर की ज़िंदगी साथ खेल लिया और अब जो है ना इसके लिए आवाज़ बने कम से कम इनकी आवाज़ बनेंगे ना तो इन शाला कल आपके साथ भी कोई मसला होगा तो अल्लाह ताला आपकी आवाज़ भी बनेंगे और आपके लिए भी मदद फराहम करेंगे आज हैदर दरगाह गए और दाता दरबार में गए वहाँ दुआएं की और उसके बाद ओलिया कराम की सरजमीन भी इंशाल्लाह जाएंगे, मुल्तान भी जाएंगे, जहाँ जहाँ ये जाना पड़ा इनको ये वहाँ वहाँ जाएंगे अपनी आवाज़ वहाँ वहाँ पर रखेंगे और इसके अलावा ये मैं आपको जाते जाते एक बड़ी अहम पेशर तो बताता चलूँ कि सीमा का बचना मुश्किल हो चुका है डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं कानूनी तौर पर हर चीज़ रेडी है दलाइलों के साथ इन श्रा डॉक्टर रोशन अली अजीम जब इंडिया की अदालतों में ये केस रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये केस दो से चार दिनों में ऐसे है जो अदालत फैसला सुना देगी और सीमा जो है बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगी या पाकिस्तान के सपुर्द कर दी जाएगी बच्चों के साथ तो अच्छा हैदर भाई मेरा एक बड़ा अहम सवाल है कि बच्चे मैं देख रहा हूँ कि हफ्ते से ज़्यादा हो गया है वो मीडिया पर नजर नहीं आ रहे क्या आपको तड़पाने के लिए ये मामला किए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे तो आपके जिगर का टुकड़ा है बच्चे आपकी जान है आप कम से कम उनकी शक्लें तस्वीरें चीजें देख लेते हैं तो आपको सुकून आ जाता है चले बात भी आपकी इंशाल्लाह हो जाएंगी जो सूर्या वर्मा जी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपकी बात भी करवाई जाएगी क्या सीमा जो आपको तड़पाने के लिए मीडिया से दूर रख रही है बच्चों को देखो सीमा अभी फंस चुका है सीमा दिखाए या ना दिखाए अभी उससे फर्क नहीं पड़ता यकीन मानो हमारे मजबूत है तो बहुत दिन अभी उसको पता चल चुका है कि इसके ग्रप्त हमारे गिरबान तक आ चुके हैं अभी वो सवाल हम कहते थे बच्चों को घुमा रहे या गाड़ी पे बच्चों को टच कर रहे थे तो अभी हाँ बाय टच कर रहे थे ऐसे मामले थे उछाल रहा था, था तो उसको शर्म नहीं आती बैगरत को अभी इस वजह से थोड़ा साइड किया बच्चों को ये कितना भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा अब हमारे हाथ उसकी गिरफ्तान तक है जरूर इसको घसीट के अदालतों के हवाले कुरम भाई करेंगे इंशाल्लाह फरहान भी बदला लेगा बड़ा होकर आपका ये बयान बड़ा चला था फरहान बड़ा होकर जरूर इनशाला सीमा को बता देगा कि सीमा आप हमारी वालदा होकर या आपने क्या हरकत कर ली हमारा इतना प्यारा बाप इतना अच्छा बाप जो हमारे लिए बच्चे उससे सवाल करते होंगे कुरम भाई ये फरहान तो, तो करेगा बच्चे भी करेंगे बच्चों सवाल करते होंगे ये दिखाता नहीं है हमारे वीडियो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना फरवा को दिखा रहा है ना फरहान खान को दिखा रहा है ना फरवा बतूल को दिखा रहा है ना फरिया को ना फरह को, को।, को हमारे वीडियो दिखाते नहीं है बस शो पीस के लिए उनको मोबाइल दिए गए तो देखेंगे देखेंगे ये आस पड़ोस के लोग दिखाएंगे आस पड़ोस के लोग दिखाएंगे रब्बूपुरा के लोग वो वीडियो जरूर दिखाएंगे क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और नाबालिग हैं माइनर हैं इनसे जो मर्जी कहलवा लिया जाए कि आप हिंदू बन जाओ तो वो बन जाएंगे मुस्लिम बन जाओ वो बन जाएंगे जब बालिग होंगे अकल समझ आएगी तो अदालत भी ये कहती है कि बच्चे जब बालिग होते हैं नहीं है अदालत की अभी फैसला आने वाला है देखना चंद इन वादा वादा बच्चों से हमारा वादा रहा और हैदरबाई भी सैर करवाएंगे लेकिन सीमा के जो गिर्दा ना वो यहाँ तक पहुंच चुका है सीमा तुम डिप्रेशन का शिकार भी होगी इस वीडियो के बाद तुम्हें डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेगी फरहान खान या फरवा बतूल या फ़रिया बतूल या फरह बतुल मुझे देख रहे हैं तो मैं उन अपने बच्चों को यही कहना चाहता हूं फ़रहान मैं मुसलसल लगा हुआ हूं आपको इस इलीगल ये सीमा लेकर किसी बहाने से इंडिया में बैठा हुआ है तो आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी परेशान ना होना आपका बाप हाल आयात है ज़िंदा है वो लीगली कोशिश कर रहा है जैसे सीमा की तरह इलीगल कोशिश नहीं कर रहा हूँ थोड़ा मजरात चाहता हूँ मुझे टाइम लग रहा है आप लोगों से मिलने के लिए तो बहुत सारी आँ हैं आँचें हैं उम्मीदें हैं मगर क्या कह सकता हूँ आप बिल्कुल भी परेशान न ना होना मैं आप उनके साथ है बिल्कुल बिल्कुल उनको मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा अपनी गोद में अपने साथ रीमा के साथ मिलेंगे आसिफ के साथ मिलेंगे अपने पुप्पू के साथ मिलेंगे अपने घर आएंगे दादी के साथ मिलेंगे के साथ मिलेंगे जो बहुत परेशान है फिक्रमंद है कि आप टेंशन बिल्कुल भी मेरे बच्चों ना लेना वो वक्त आ चुका है अन आप पाकिस्तान आओगे अपना बहुत सारा ख्याल रखना मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने कहान